हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। कुछ डेफिनेशन आपको लिखवाई गई थी, कुछ डेफिनेशन अपन आज और लिखेंगे। जो डेफिनेशन आपको लिखवा दी गई है, इनको आपको बार बार पढ़ना है ताकि जो चैप्टर होगा उसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए। आज अपन नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या चीज होती है? तो देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, ये 3x² - 7x + 5। इसमें आपको वेरिएबल कहां दिख रहा है? एक तो अक्ष यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक अक्ष यहाँ पे दिख रहा है। वेरिएबल क्या चीज होती है? कल आपको बताया गया था, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, यानी कि चेंज होती रहती है। जो एक्स वाई जेड दिखते हैं आपको किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, वो सभी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है। तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल होगा उसके हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे अपन? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 1 है। जो हाईएस्ट होगी, जो ज्यादा होगी, वो क्या होगी? डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? 2 है। तो डिग्री कितनी होगी अपने पास में? 2 हो गई। तो डिग्री क्या होगी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की? 2 हो गई। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं लिखता हूं x³ + 2x + 3। इसमें देखो, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री होगी, ठीक है। अब देखो, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है? देखो, द टर्म हैविंग सेम वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। देखो, ऐसी 2a2 से ज्यादा टर्म जिसमें वेरिएबल क्या हो? सेम हो, और उनकी जो पावर्स होती है वो भी क्या हो? सेम हो, वो सभी क्या होंगी? लाइक टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो 4x और 5x क्या है? लाइक टर्म है। क्यों है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, और दोनों की पावर कितनी है? 1 है। तो ये क्या होगी? लाइक टर्म हो गई। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x² है। इसमें क्या है? x² है, ठीक है। दोनों की पावर क्या है? 2 है, और दोनों का वेरिएबल क्या है? एक्स है। यानी कि वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है। कोई 2 या 2 से ज्यादा टर्म जिसके अंदर वेरिएबल और उनकी पावर क्या हो? सेम हो, वो सभी क्या होंगी? लाइक टर्म होंगी। क्लियर हो चुका होगा। अब देखो, अनलाइक टर्म, द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल विथ डिफरेंट एक्सपोनेंट और डिफरेंट वेरिएबल विथ सेम एक्सपोनेंट, ठीक है। कोई 2 या 2 से ज्यादा ऐसी टर्म्स जिसके अंदर क्या हो? या तो सेम वेरिएबल हो, इसके साथ में जो वेरिएबल होंगे उनकी जो पावर्स हो वो अलग अलग होनी चाहिए, या तो वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर क्या हो? अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखो, वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ पे भी क्या है? एक्स है, लेकिन इस एक्स की पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 2 है। यानी कि वेरिएबल तो सेम है, लेकिन पावर क्या है इनकी? एक्सपोनेंट क्या है? अलग अलग है। तो ये कौन सी टर्म होगी? अनलाइक टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, वेरिएबल तो एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो पावर की वजह से ये क्या हो गई? अनलाइक टर्म हो गई। इसके अलावा, और डिफरेंट वेरिएबल विद सेम एक्सपोनेंट, या क्या होना चाहिए? जो वेरिएबल होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, उनकी पावर हो सकता है सेम हो। तो यहाँ पे देखो, अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो, वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ पे क्या है? वाई है। दोनों की पावर 1 है, लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या है? अलग अलग है। तो ये कौन सी टर्म होगी? अनलाइक टर्म होगी, ठीक है। अब देखो, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, कुछ आपको आइडेंटिटीज बताई जा रही है, कुछ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में काम में आएंगे। इन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर को सॉल्व करने में ये फॉर्मूले काफी मदद करेंगे, आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी जो है वो क्या है? a + b² होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? a + b² होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? a² + 2ab + d² ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी। इसको आपको अच्छी तरीके से याद
कर लेना है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो आइडेंटिटी वो क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, जो फोर्थ आइडेंटिटी वो क्या होगी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आपको फोर आइडेंटिटीज है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इस चैप्टर को सोल्व करने में ये आइडेंटिटीज आपके काफी हेल्प करेगी। ठीक है, आज का आपको एचडब्ल्यू दिया जा रहे हैं। एचडब्ल्यू क्या है आज का, एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 इसको आपको रफ में सोल्व करके इसकी फोटो लेके आपको मैम को सेंड करनी है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।